हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आप लोगों के लिए और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। सैमसंग वर्ल्ड में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आपके पास सैमसंग F52S मॉडल या तो F52 मॉडल है तो गाइस आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखना। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले गाइस आपको बता दूं, अगर आप लोग एक सैमसंग यूजर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं हर बार सैमसंग का वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो गाइस मेरे पास जो है जो सैमसंग F52S मॉडल का जो डिवाइस है वो है, तो आपके पास जो भी मॉडल है तो उसमें ये ट्रिक काम करेगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले आप लोग बता दूँ, आज जो मैं सेटिंग आप लोगों को दिखाने वाला हूँ वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो ये जो सेटिंग है वो आपके डिवाइस में भी अवेलेबल है। तो उसके लिए गाइस आपको क्या करना है, सेटिंग्स ओपन करना है अपने मोबाइल का। सेटिंग्स ओपन करने के बाद गाइस आपको जाना है लॉक स्क्रीन पर। तो आप लोग लॉक स्क्रीन पर जाएंगे, उसके बाद गाइस यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो ये जो ऑप्शन आप लोग को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले गाइस यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ ये ऑप्शन काम कैसे करता है। तो गाइस जब आप लोग मोबाइल को यूज़ नहीं करेंगे, मोबाइल को ऑफ करके रख देंगे, तो स्क्रीन पर आप लोग को जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी म्यूजिक इन्फॉर्मेशन और क्लॉक जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पर स्क्रीन को ऑफ किया, आप लोग देख सकते हैं इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो आप लोग इसी तरीके से जो भी है सेट कर सकते हैं। कितना सेकेंड तक आप लोग रखेंगे यहाँ पर शो कर रहा है, यानी कि टैप टू शो फॉर 10 सेकेंड। मैंने यहाँ पर 10 सेकेंड करके रखा, यानी कि जब मैं ऑफ करूंगा उसके बाद जब इसको ऑन करूंगा तब यहाँ पर 10 सेकंड तक ये जो भी है वो शो करेगा, उसके बाद जो ऑटोमेटिकली वो ऑफ हो जाएगा। और आप लोग यहाँ से जो क्लॉक स्टाइल वो आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो अगर शो ऑलवेज पर क्लिक करके ऑलवेज पर आप लोग सेट कर सकते हैं, या तो आप लोग शेड्यूल कर सकते हैं, जो भी है आप लोग शेड्यूल पर क्लिक करके रख सकते हैं। तो मुझे बेटर ये लगता है कि आप लोग 10 सेकंड तक रखें। उसके बाद गैस आप लोग क्लॉक स्टाइल पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्लॉक स्टाइल इस तरह का सेलेक्ट करके रखा हूँ, जो स्क्रीन है वो ऑफ होने के बाद इस तरह का जो क्लॉक स्क्रीन है वो दिखाई देगा। आपके हिसाब से आप लोग कैसे क्लॉक स्क्रीन सेट कर सकते हैं, जैसे कि इस तरह का अगर आप लोग लगाना चाहते हो वो लगा सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर आप लोग को और भी बहुत सारे कलर देखने को मिल जाएगा, जो भी है आप लोग कलर वगैरह लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग क्लिक कर देंगे, फिर आप लोग यहाँ पर जो 3D वाला वो जो गिफ होता है वो आप लोग यहाँ से लगा सकते हैं, जो अपने हिसाब से गिफ है वो आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा स्क्रीन ऑफ होने के बाद, यहाँ पर आप लोग इस तरह का नज़ारा दिखाई देगा। जो भी आप लोग सेट करना चाहते हो वो सेट कर सकते हैं, या तो आप लोग गैलरी से सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो थीम लगा सकते हैं, वो आपके हिसाब से आप लोग लगा सकते हैं। इसको मैं डन कर देता हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पर आता है कि शो म्यूजिक इन्फॉर्मेशन, इसको आप लोग ऑन कर देंगे। जो भी आप लोग म्यूजिक बजाएंगे वो अगर स्क्रीन ऑफ होगा तो ऊपर उस तरह का दिखाई देगा जो म्यूजिक हो वो कौन सा म्यूजिक बज रहा है। उसके बाद स्क्रीन ओरिएंटेशन, ये इसका मतलब है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, आपको ये पता है, तो पोर्ट्रेट पर ये रहेगा। उसके बाद ऑटो ब्राइटनेस जो है आप लोग यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, अगर ऑफ है तो आप लोग ऑन कर सकते हैं। तो गाइस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो सेटिंग है वो पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को दिखा दिया। देखिए फ्रेंड्स, इस मोबाइल में जो एंड्रॉयड 12 है वो अपडेट होने वाला है। अपडेट होने के बाद यहाँ पर आप लोग और भी चेंजेस देखने को मिल जाएगा, और भी फीचर ऐड किया जाएगा। तो उसके लिए गाइस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मैं आगे जो भी अपडेट आए वो आप लोगों को दिखा सकूँ। तो गाइस मैं इस वीडियो में आप लोग को ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो सेटिंग है वो सारा दिखा दिया। अगर गाइस वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए यूट्यूब में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।